क्या गसल करने से भी वजू हो जाता है क्या गसल करने से वजू हो जाता है इस मैंने इस बारे में कई बातें सुनी है कोई कहता है हो जाता है कोई कहता है वज़ू की नीयत करना ज़रूरी होता है वरना नहीं होता कोई कहता है वजू अलग से करना चाहिए नहाने से वज़ू नहीं होता अख्तर अली सऊदी अरब से देखें वजू में चार आज़ा का धोना फ़र्ज है चेहरे का और हाथों का कोहनीों तक सर का मसा और पाँव टखनों तक तो गसल के दौरान अगर ये आज़ाद धुल गए पूरे तौर पर तो वज़ु आपका ऑटोमेटिकली हो गया तो ये है असल बाकी सुन्नत अमल ये है सही तरीक़ा ये है कि जब गसल किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गसल का तरीक़ा सिखाया पहले वज़ू करें फिर मुकम्मल गसल करें ये अच्छा तरीका है लेकिन इस पर अमल नहीं भी किया ऐसे ही पानी बहा दिया तो भी वज़ु आपका ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद हो जाएगा दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं है जागने के बाद हाथ धोने का हुक्म सुबह जागने के बाद हाथ को धोने का जो हुक्म है इसकी शरी हैसियत क्या है नीज आज कल नल से पानी लिया जाता है तो क्या हाथ धोने के बाद नल पर पानी बहाना भी जरूरी होगा मिसेस फैसल फैसलाबाद से रसूल सल्लाम ने फरमाए फ़लायदन फैन आई नात यदू गदन के आप सलील बात यदू बिलम्स के जब तुम में से कोई शख्स जागता है तो अपना हाथ बर्तन में हरगिज़ ना डाले जब तक तीन दफा धो ना ले क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसने हाथ के हाथ ने रात कहां गुजारी है रा, रात को गंदगी भी लग सकती है हाथ के ऊपर तो वो है बाल्टी में हाथ डालना क्योंकि बाल्टी में डालेंगे तो पानी नापाक हो जाएगा बर्तन से मुरा दिए पानी का बर्तन तो आजकल जो नलके हैं तो उससे हाथ धो लें तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा बाकी ये कि नलके को भी हाथ से धोना जरूरी है धो लें तो क्या जा रहा है थोड़ा सा चुल्लू लेके नलके के ऊपर डाल दिया तो इसमें अलबत्त वहमी ना बने क्योंकि फिर वो जहाँ जहाँ जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना तो ऐसे लोग समझते हैं नपाकी भी फैलती है तो इतने पागल हो जाते हैं लोग इस मामले में कि वो एक साहब ने बताया कि मैं जब वो कप अपने कपड़े वॉशरूम में धोता हूँ तो छींट पड़ती है तो छींट पड़ने से वो कपड़ा नापाक तो जब मैं उस कपड़े को उठाता हूँ तो मेरा हाथ नापाक तो जब मैं नलके को लगाता हूँ तो नलका नापाक फिर मैं नलके को जब पानी से धोता हूँ तो इस दौरान अगर मेरा कहीं हाथ लग गया तो फिर उसको भी धोना पड़ता है फिर वो दरवाजे के कुंडे को भी धोता हूँ जिस जिसको हाथ लगा तो ये कोरोना वायरस वाले इतनी एहतियात नहीं कर रहे जितना ये इतना ये तो इतना पागल ना हो जाए नापाकी के मसाइल में बस एतदाल से चलना चाहिए बहुत ज्यादा गैर मुहतात भी ना हो जाए और बहुत ज्यादा एहतियात भी ना करें दरमियान दरमियान में चलें। आज मुफ्ती तारिक मसौद